बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ असद और आप लोग देख रहे हैं लज्जत विद असद। और जनाब, रोज़ाना की तरह आज भी आप लोगों के लिए मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ हैं, और उसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इसलिए कि आप लोग जिस मोहब्बत से, खुलूस से रेसिपीज़ को ना सिर्फ शो को देखते हैं बल्कि उसको फिर फौरन ट्राई भी करते हैं, बनाते भी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि जनाब प्रोग्राम के फौरन ही तकरीबन एक डेढ़ घंटे के बाद अगर एपिसोड मिस हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मेरे पास मैसेजेस हैं स्पेशली मिसेस खान, उनके यहाँ जनाब बैड लक उनके साथ रहती हैं कि 6:30 बजे लाइट चली जाती है और सुबह 11:30 बजे चली जाती है। तो मिस्टर खान, आप YouTube पे हमें देख सकते हैं लाइक प्रोग्राम को लज्जत विद असद, और आगे डेट लिखेंगे यानी कि आज की डेट, तो आपको प्रोग्राम मिल जाएगा और प्रोग्राम के तकरीबन एक डेढ़ घंटे दो घंटे बाद प्रोग्राम जो है वो अपलोड हो जाता है। मैंने अपने पेज पे भी वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्या रेसिपीज़ हैं? आज जो दो हम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, और दोनों हम ज़रा आप कह लें रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, ढाबा स्टाइल कह लें या रेस्टोरेंट स्टाइल, और दोनों में ही इस्तेमाल है बाल्टी का, यानी कि इसकी जो सर्विंग है वो हम करेंगे बाल्टी में, और इसीलिए दोनों का जो नाम है वो भी है बाल्टी, बाल्टी से रिलेटेड है। पहली फर्स्ट जो हम रेसिपी बनाएंगे वो हम बनाएंगे बाल्टी, हम बनाएंगे फ्राई मुर्ग। ठीक है जी, बाल्टी फ्राई मुर्ग हम बनाएंगे, और उसके लिए क्या कुछ चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा और आपको दिखा भी देंगे, बता भी देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हमें चाहिए जनाब, सबसे पहले जो स्पाइसेस हमें चाहिए उसमें हम यूज़ करेंगे नमक, और नमक आप जानते हैं तमाम जो स्पाइसेस हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं मलका के, मलका फूड के तमाम स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे, जिसमें नमक, उसके साथ पिसी हुई मेरे पास मौजूद है लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च के बाद मौजूद है पिसा हुआ ज़ीरा। ठीक है, और ज़ीरा भी हमने यूज़ किया है मलका फूड का। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें, यहाँ पर सॉरी, ये था गरम मसाला और ये है ज़ीरा। ठीक है, तो ज़ीरा और गरम मसाला ये दोनों हम यूज़ करेंगे। उसके साथ हमने इसमें जो है यूज़ करना है दही। ठीक है, दही का इस्तेमाल होगा। दही के इस्तेमाल के बाद आप देख रहे हैं मौजूद है अजवाइन, और उसके साथ मौजूद है काली मिर्च। अजवाइन है, काली मिर्च है, उसके बाद हरी मिर्च, टमाटर, और उसके साथ है प्याज। ठीक है, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज ये भी हम यूज़ करेंगे, और इस तमाम चीज़ों से आज हम आपके साथ जो फर्स्ट रेसिपी शेयर कर रहे हैं बाल्टी फ्राई मुर्ग। ठीक है, तो इसके दो स्टेप्स हैं, और वो दो स्टेप क्या हैं? पहले इसको मैरिनेशन करेंगे, मैरिनेट करेंगे, और इसको करेंगे फ्राई। उसके बाद इसका एक मसाला बनाएंगे। ये जो दही वाली जो चीज़ें हैं ये मसाले की हैं, और ये जो स्पाइसेस हैं ये हम फर्स्ट मैरिनेशन करके और इसको क्या करेंगे जो है फ्राई करने के लिए रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही हमें चाहिए होगा वाइट विनेगर यानी कि सिरका। तो यहाँ पर सिरका हम यूज़ कर लेंगे। और आज की फर्स्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत डिफरेंट, और जिस तरह का वेदर है उस हिसाब से जो है बेहतरीन सी आज की ये रेसिपी रहेगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सिरका। ठीक है, चिकन में हमने लगाया सिरका, सिरके के साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें नमक, ठीक है, ये मैंने डाल दिया नमक, नमक के साथ पिसी हुई लाल मिर्च, मलका फूड की पिसी हुई ये हमने डाल दी इसमें लाल मिर्च, उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, ये भी मलका फूड का, और उसके बाद ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। ठीक है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट भी। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन एक खाने का चम्मच के करीब,
एक खाने के चम्मच के करीब हमने ये ऐड कर दिया है इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। और मलका फूड के हवाले से आप जानते हैं कि जनाब इनकी तमाम रेंज जो है आप लोग को हम गाहे बगाहे दिखाते भी रहते हैं, और साथ साथ हर तरह के स्पाइस हैं, चाहे वो बिरयानी है, चाहे वो पुलाव है, कोरमा है, और कढ़ाइयाँ हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सी मज़े मज़ेदार आप कह लें कि मसाला है। जैसे कल हमने निहारी बनाई थी, बहुत लाजवाब बनी थी, बहुत ही मज़ेदार। और आज जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो भी हम मलका की दाल यूज़ करेंगे जो यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे कि वो क्या है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस चिकन को अच्छे से आपने सिरका, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला लगा के अच्छे से इसको आपने मैरिनेशन करना है इसका, ठीक है। मिक्स करके इसको मैरिनेट करके कम से कम भी 2-3 घंटे छोड़ दीजिए, रेस्ट दे दीजिए, या आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप इसको रेस्ट दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैरिनेशन बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। अच्छे से आपने इसको मैरिनेशन की खूब अच्छे से, ताकि हर तरफ बोटी का कोई भी एरिया हिस्सा रह ना जाए जहां मसाला ना लगे, ठीक है। ये चलिए, ये हो गया। अब इसका हम आगे का जो प्रोसीजर है वो शुरू करते हैं, और इसको हमने करना है फ्राई, ठीक है। तो इसको हम करेंगे फ्राई, और फ्राइंग के लिए पैन ले लेते हैं, क्योंकि पहले हमने इसको फ्राई करना है और फिर उसके बाद हमने इसका मसाला बनाना है, और फिर वो मसाला इसमें ऐड होगा, ठीक है। और इसकी सर्विंग जो है वो होगी बाल्टी में, और यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑयल, ठीक है, इसको फ्राइंग के लिए, और डीप फ्राई करना है इसको, ठीक है। शैलो फ्राई नहीं करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। अगर लाइक आप ज़रा अवॉइड करते हैं फ्राइंग वगैरह, तो फिर आप इसको अवन की डिश में फैला के और बेक कर लीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं अगर अवन की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी तक लाइक अवन नहीं होता, कुछ लोगों के यहाँ क्योंकि किचन जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं तो वहाँ इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो इस वजह से भी बहुत सारे घरों में नहीं यूज़ होता अवन। तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी पैन ले लें, ठीक है, उसमें ऑयल नहीं डालना। ये वाली जो चिकन का मिक्सचर है, बिल्कुल सिंपल, आपने पैन में ये वाले चिकन का मिक्सचर डाल दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए, चिकन अपना पानी छोड़ेगी, मसाला अपना पानी छोड़ेगा, उसमें इस चिकन को आप क्या कर लें, स्टीम कर लें, ठीक है। जब ये स्टीम हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से डन हो जाए, गल जाए, तो आपने इसके जब मसाला बनाएंगे फिर उस मसाले में आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है। चलिए, जब तक हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है तो इसके मसाले की जो है हम तैयारी करते हैं, और आज की जो दाल हम बनाएंगे उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन है। तो आप कह लें कि पूरी एक तरह से आपका ज़बरदस्त सा लंच का या डिनर का आप इसको दावत के मेन्यू में भी इसको रख सकते हैं। चलिए जनाब, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च चॉप कर रहा हूँ, और ऑयल गर्म हो रहा है, सिर्फ चिकन को ऑयल में डाल के हम फ्राई करने रखते हैं। यहाँ ले लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने चिकन को जो मैरिनेशन की थी वो हमने तमाम मैरिनेशन की हुई चिकन जो है ऑयल में ऐड कर दी है, और अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से करेंगे थोड़ी देर के लिए कवर।
अच्छा, कवर करने के लिए क्यों, मतलब क्यों करेंगे हम कवर? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए कि आपकी जो चिकन है वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, ताकि वो स्टीम में जब पकेगी अंदर तक सॉफ्ट होगी। अभी क्या होगा, अदरवाइज़ अगर हम इसको ढकेंगे नहीं तो हमारी चिकन फटाफट ऊपर से तो कलर आ जाएगा, गोल्डन हो जाएगी, कलर आ जाएगा, हार्ड भी हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। वो जो आप लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जी ब्रोस्ट हम बनाते हैं तो चिकन के अंदर ब्लड रह जाता है, ठीक है, तो वो यही वजह होती है कि अंदर तक उसको स्टीम नहीं मिल पाती, तो क्या होता है कि वो ब्लड एज इट इज़ रह जाता है। जब स्टीम अंदर जाती है तो वो ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, वो हट जाता है, यानी कि पक जाता है। तो ये इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब हम कमर्शियली अगर हम बात करें तो तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर ब्रोस्ट के लिए ब्रोस्ट मशीन लगी हुई होती है, और ब्रोस्ट मशीन का काम क्या है, उसमें स्टीम जनरेट होती है। उसमें भी आप क्या होता है कि हम ब्रोस्ट डाल के उसको ऊपर से एयर टाइट कर देते हैं ताकि उसमें स्टीम जनरेट हो। स्टीम जनरेट होगी तो आपका ब्रोस्ट जो है वो अंदर तक गलेगा, नहीं तो अमूमन हम क्या होता है कि डीप फ्रायर में कर रहे होते हैं तो फिर भी उसके लिए भी वो भी ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको आपको कवर फिर करना पड़ता है। अच्छा, अब प्याज को हमने ऑमलेट स्टाइल में कट कर लेना है, ठीक है, इसके मसाले के लिए। मसाला बेसिकली इसका कोई बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मसाले वाली नहीं है, थोड़ा सा ड्राई मसाला ही होगा, और अभी आप देख भी लेंगे आपको समझ भी आ जाएगी, बहुत डिफरेंट सी आप कह लें कि एक तरह से सॉर्ट ऑफ ये फ्राइंग चिकन में ही आएगी, ठीक है, फ्राइड चिकन टाइप में ही आप इसको ला सकते हैं। जैसे मैंने बताया डिनर के लिए और लंच के लिए बेहतरीन है, हल्की फुल्की अगर आपको जैसे भूख लग रही है तो आपने ये बना के रखी हुई है, माइक्रो कर लें और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये हमने टमाटर को भी मैं फ़ाइन चॉप कर रहा हूँ, ताकि ये होता है फ़ाइन चॉप करने से कि ज़रा मसाला आपका जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा, सेब के जैम की रिक्वेस्ट आई है जी क्वेटा से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द आपको सेब का जो जैम है वो ज़रूर सिखा दूँ, और क्योंकि आजकल सेब तो रहता ही है लेकिन आजकल बहुत अच्छे सेब आए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द आपको सिखा दें। और साथ ही हरी मिर्च ये चॉप कर लेते हैं, तकरीबन 3 अदद हमें चाहिए हरी मिर्चें, और मोटी वाली, ठीक है, बारीक वाली हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये 3 अदद हरी मिर्च हमने ले लिए। प्याज रेडी है, टमाटर रेडी हैं, चिकन चेक कर लेते हैं, बेहतरीन सा हमारे पास चिकन फ्राई हो गया। थोड़ी देर और कवर करेंगे। अच्छा, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, और वहाँ दूसरी जानेब हम अपना मसाला तैयार करते हैं। और सॉरी, ये जो शून शाएँ रहेगी, मौसम का असर है तो इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें चाहिए मसाले के लिए, अगेन हम लेंगे ऑयल, ठीक है, तो हम ये फ्राइंग वाला ही ऑयल ले लेंगे, क्योंकि हमें बहुत थोड़ा सा चाहिए, तकरीबन समझ लें कि 6 से 8 खाने के चम्मच, ठीक है, तो ये 6 से 8 खाने के चम्मच हमने ऑयल ले लिया। और इसको चेक करते हैं, बिल्कुल चिकन हमारे पास, अब इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन अंदर तक स्टीम हो चुकी है, अब इसको ओपन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपना जो मसाला है उसको तैयार करेंगे।
और मसाले में भी एक खाने का चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट, मलका का लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर दिया था चिकन में, और एक खाने का चम्मच हम मैं डाल रहा हूँ इसमें मसाले के लिए। ठीक है, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा इसको हम सौते करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसको हमने बस फ्राई, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सौते करेंगे। टमाटर, हरी मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे अपने तमाम स्पाइसेस, जिसमें नमक जाएगा। ठीक है, ये चला गया इसमें नमक। नमक के साथ अब इसमें ऐड होगा जनाब मसाले वाले स्पाइसेस, जिसमें नमक है, काली मिर्च है, अजवाइन और उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही। बस मसाले को, टमाटर को हल्का सा मैश करेंगे। दही डाल दें, और कोई भी इसमें स्पाइस नहीं जाएगा, ना लाल मिर्च, ना गरम मसाला, जीरा, कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक, ठीक है, काली मिर्च, अजवाइन और दही जाएगा। उससे पहले हमने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर ले लिया था, और इसको बस इस तरह से ज़रा मोटा मोटा ही इसका मसाला हमने रखना है। जस्ट अब इसको फ्लेम को मैं तेज़ करूँगा ताकि ये थोड़ा सा मसाला जो है हमारे पास ड्राई हो जाए। ठीक है, और चिकन हमारे पास हो रही है फ्राई, चिकन को भी ज़रा एक नज़र चेक कर लेते हैं। बेहतरीन सी चिकन हमारे पास फ्राई हो रही है, कलर भी बेहतरीन सा आ रहा है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ ताकि अब इसको कलर आ जाए और फिर हम इसको निकाल लें, और जब तक हमारे पास ये जो मसाला है ये भी हो जाएगा रेडी। ठीक है, चलिए, तो दोनों स्टेप्स जो है वो आपके सामने रेडी हो रहे हैं। अच्छा, इसमें मसाले में अब आप फ्लेवरिंग इसकी चेक कर लें। नमक कम रखिएगा, क्यों, हमने चिकन में भी नमक ऐड किया हुआ है। अच्छे से आप इसको मैश कीजिए। और अब बारी है चिकन को इसमें ऐड करने की, तो चलिए मैं इसी तरह ऐड कर देते हैं। ठीक है, बेहतरीन सी आप देख रहे हैं चिकन हमारे पास फ्राई हो गई है, और अब इसको हमने मसाले में डालना है, मिक्सअप करेंगे। हमारे पास मज़ेदार सी ये बाल्टी मसाला चिकन जो हो जाएगी तैयार। ये देखिए, मैं साइड पे लगा रहा हूँ ताकि आपको चिकन भी ज़रा नज़र आ जाए। आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, ये देखिए बेहतरीन सी चिकन हमारे पास हो गई तैयार, और अब जो है हमने सिर्फ इसको मिक्सअप करना है। ठीक है, और आप इसको जस्ट मिक्सअप करेंगे, मसाला इसके ऊपर कोट हो जाएगा और ये हमारे पास तैयार। ये देखिए इसकी कलर शक्ल आप देख रहे हैं, मसाला इस पर हो गया तैयार,
और अब ये तैयार है बाल्टी में जाने के लिए। बाल्टी में इसको सर्व करते हैं। चलिए ये अच्छे से हमने इसको क्लियर कर लिया। और ये मिल जाती हैं बाल्टी आराम से, अगर आप को अट्रैक्ट करे तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगी, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हमारे पास मज़ेदार सी चिकन हो गई तैयार। और साथ ही हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक आ गई है, ब्रेक पर चलते हैं। चलिए जी, हमारे पास ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बाल्टी मुर्ग तैयार है। और बाल्टी मुर्ग जो है हम इसको हमने सर्व भी कर दिया आपके सामने। अब इसके साथ सेकंड जो हमारी रेसिपी है मलका की, जो हम दाल बना रहे हैं वो कौन सी दाल है आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, यहाँ पर आपको कहेंगे खुश आमदेद। और साथ साथ अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो भी बाल्टी में ही हम सर्व करेंगे, और आज हम बना रहे हैं अचारी बाल्टी दाल। ठीक है, अचारी बाल्टी दाल हम बना रहे हैं, और उसके लिए हमने क्या करना है, किस तरह से करना है, अब आपके साथ शेयर करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी से पानी में दाल को हमने हल्का सा बॉईल कर लेना, और मसूर की दाल हम यूज़ करेंगे, आप जानते हैं बहुत जल्दी जो है वो डन हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मलका की प्रीमियम दाल। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं मसूर, माश, चना और हलीम मिक्स भी है, बहुत सारे इनके आपके लिए वैरायटी मौजूद है, तो आज इन्हीं की जो है हम यूज़ कर रहे हैं। और हाँ ठीक, मैं इसीलिए चेक कर रहा था कि ये इसमें आप देखें ये लॉक वाला है, आप इसको जितना यूज़ करना है यूज़ करके बाकी इसको प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, तो ये एक आपके लिए अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अब जैसे मैंने बताया हर दाल के पैकेट में मसाले का पैकेट मौजूद है, और ये वो मसाले का पैकेट आ गया है, और इसमें है जनाब पंजाबी तड़का दाल का पैकेट, तो आप इससे पंजाबी तड़का दाल भी बना सकते हैं और अचारी दाल बाल्टी भी बना सकते हैं, जो मैं इस वक्त बना रहा हूँ। तो ये हमने चलो दाल को ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसको समर करेंगे, लाइक बॉईल होने देंगे। ठीक है, दाल हमारे पास बॉईल हो रही है, उसके बाद इसका हम मसाला जो हमने बनाना है उसकी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाए हैं प्याज, ठीक है, उसके साथ टमाटर, और मैं जो है इसमें फ्राइड अनियन यूज़ करूँगा, मलका के मेरे पास फ्राइड अनियन है तो मैं फ्राइड अनियन यूज़ करूँगा, उसके साथ साथ टमाटर की जगह मैं टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है टोमेटो पेस्ट और नॉर्मल अगर हम टमाटर डालें तो उसमें, ठीक है, तो आपकी चॉइस है। उसके बाद हमें चाहिए जनाब इसमें राई कलौंजी हम यूज़ करेंगे, इसमें मेथी दाना, मेथी दाने के साथ हम यूज़ करेंगे सौंफ, ज़ीरा, नमक, हल्दी,
पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद कड़ी पत्ता ऐड होगा, ठीक है। और उसके कड़ी पत्ते के साथ ही जो है हम इसमें यूज़ करेंगे, इसमें अगर आप चाहें तो दो तीन हरी मिर्च का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भी ले लेते हैं हरी मिर्च, और तकरीबन ये दो ही बहुत है, चॉप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि प्याज मैं फ्राइड प्याज यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने मलका के यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ साथ अब हमने दाल को थोड़ा सा, मैंने अभी पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला, ताकि ये क्या हो जाए, इसमें अच्छे से ये स्टीम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, साथ ही अब इस दाल में तकरीबन आप समझ लीजिए कि एक कप दाल है, तो आपने तकरीबन एक कप ही पानी डाल के इसको पहले तैयार करना है, उसके बाद फिर हम और पानी डालेंगे। अब मैं इसमें डाल दिया है राई, कलौंजी, मेथी दाना मैं डालूँगा, ठीक है। मेथी दाना डाल दिया है, ये हमने डाल दी राई आधी चाय की चम्मच, कलौंजी आधी चाय की चम्मच, सौंफ ये हमने डाल दिया, ज़ीरा ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आपको साबुत मसाला लाइक बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद, तो आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं, ठीक है, आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं। नमक, नमक के बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, ये चली गई जनाब हल्दी पाउडर, और उसके बाद जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च के साथ हरी मिर्च, फ्राइड अनियन, और उसके साथ मैं डाल रहा हूँ इसमें टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट के बाद कड़ी पत्ता, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसमें बारी है ऑयल डालने की। ठीक है, तकरीबन चौथाई कप से हाफ कप इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डाल के अब हमने तमाम मसाले को अच्छे से दाल में क्या करना है, मिक्स करना है, और दाल के साथ इसको भून लेना है। ठीक है, देख रहे हैं बहुत सिंपल रेसिपी है, और दाल भी हमारे पास बड़ी हो गई, आप देख रहे हैं साइज़ में गल गई है, और मसूर की दाल आप जानते हैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अच्छे से आपने इसको भूनना है, और इसमें आप पानी ऐड करेंगे। ठीक है, पानी ऐड किया और थोड़ा सा मज़ीद भून के फिर हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। ठीक है, इस स्टेज पे नमक वगैरह आप चेक कर लेंगे, और अगर आप कह लीजिए कि ज़रा अचारी में बहुत ज़्यादा खटाई तो नहीं होती, लेकिन अगर आपको ज़्यादा खट्टी चाहिए, खटाई चाहिए, तो फिर आप इसमें इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आप इसको एज इट इज़ बनाएं, और आप देखेंगे बहुत मज़ेदार सी ये दाल हमारे पास तैयार होती है। अच्छा, इस स्टेज पर हमने क्या करना है, इसमें नमक वगैरह चेक कर लीजिए, नमक वगैरह बिल्कुल सही है, अचार का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। चलिए, ये मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन टोटल जो है आपने इसमें एक कप के करीब पानी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने कहना चाहिए कि पतली दाल नहीं होगी, थोड़ी सी गाढ़ी दाल होगी, और इसको ऐसी है ही आप चावल के साथ, रोटी के साथ जो है आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे, और यहाँ पे हमारे पास दाल हो रही है तैयार। तो आज की दोनों रेसिपीज तकरीबन तैयारी पर हैं, और बहुत सिंपल आप कह लें कि स्टाइल की रेसिपीज थी आज की।
फर्स्ट जो हमारी रेसिपी थी जो आप देख रहे हैं आपके सामने है, जो हमने बनाई है आप लोगों के लिए मज़ेदार सी मुर्ग, और उसको हमने बाल्टी में सर्व किया है। इसके लिए हमने क्या कुछ किया था वो भी मैं आपको बता दूंगा, और हमारी सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो भी बाल्टी में आ जाएगी। तो आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो मज़ेदार सी, और इसका जो मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इस मुर्ग के साथ। दाल का आपका मूड है, कोई भी दाल आप बना रहे हैं उसके साथ ये मुर्ग बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और या आलू वाले चावल बनाए हैं तो साथ ये वाला मुर्ग बना लीजिए, ठीक है। और ये दाल तो खैर पराठे के साथ सुबह नाश्ते से ले करके दोपहर का खाना, रात का डिनर, बहुत मज़ेदार ये आपको इंशाल्लाह लगेगी, और जब आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी। अब मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं आपको जो हमने चिकन तैयार किया है उसका मैं एक दफ़ा फिर रिकैप देता हूँ। हो सकता है कि आपने अभी हमें ज्वाइन किया हो या अभी आपके यहाँ लाइट आई हो। तो बाल्टी फ्राई मुर्ग हमने पहले बनाया। बाल्टी फ्राई मुर्ग के लिए हमने क्या कुछ किया था, सबसे पहले हमने ले ली थी चिकन, ठीक है, चिकन ले ली। चिकन में हमने सिरका, और चलिए मैं बताता हूँ, 5 खाने के चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटा ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत हमने ऐड किया, उसको अच्छे से मैरिनेशन उसको की। मैरिनेट करने के बाद हमने क्या किया, उसको रख दिया 1 घंटा 1.5 घंटा, आप छोड़ दें, ज़्यादा जितना ज़्यादा छोड़ेंगे उतना अच्छा है। उसके बाद आपने ऑयल लिया और इस चिकन को आपने करना है फ्राई, डीप फ्राई। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड की थी, वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच आप इसमें ऐड कर लें, नहीं करना चाहें तो बेशक कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका मसाला तैयार किया। मसाले के लिए हमने क्या किया, प्याज को हल्का सा सौते किया, उसमें टमाटर ऐड किए, हरी मिर्च ऐड की, नमक, अजवाइन और दही डाल के मसाला तैयार किया। मसाला बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई मसाला हम तैयार करेंगे, और ड्राई मसाला जब तैयार हो जाएगा तो फ्राई की हुई चिकन इस मसाले में ऐड करके और इसको हम कर देंगे सर्व बाल्टी में। और आप देख रहे हैं ये हमने बाल्टी में सर्व कर दिया है, अभी दूसरे आप उसमें भी देख लेंगे। और दोनों रेसिपीज़ आज जो है आपके लिए, जो जिनकी दोनों की सर्विंग है वो बाल्टी में ही रखी है। और अच्छा, बाल्टी सर्विंग में मेरे रेस्टोरेंट में, अच्छा मेरे रेस्टोरेंट से याद आया कि आप लोग की काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, पूछ भी रहे थे कि जी आप मुझसे कहाँ मिल सकते हैं, किस तरह से मुलाकात हो सकती है। तो बिल्कुल आप रेस्टोरेंट आ सकते हैं, ठीक है, अर्बन तड़का मेरे रेस्टोरेंट आ जाइए, वहाँ आके आप मेरी रेसिपीज़ भी चख सकते हैं और मुलाकात भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जिक्र निकला बाल्टी से, तो बिल्कुल मेरे रेस्टोरेंट में भी बाल्टी गोश्त भी अवेलेबल है, लंच में बाल्टी दाल अवेलेबल है, चिकन नैनतारा एक स्पेशल हमारा आइटम है वो भी हम बाल्टी में सर्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाल्टी की बाल्टी मुर्ग मसाला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें बाल्टी में सर्व होती है। और कहते हैं ना, जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो फिर आपका और दिल चाहता है उसको खाने के लिए। तो आप ज़रूर आएँ अर्बन तड़का, और चाहे बारबेक्यू खाना है आपने, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, उसके अलावा फ़ास्ट फूड, हर तरह का खाना आपको मिलेगा। और क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड रेस्टोरेंट है, कोशिश यही है मेरी कि हर तरह का फूड आपके लिए आपको दिया जाए। दोपहर में स्पेशली लंच में हमने थाली शुरू की हुई है, पाकिस्तानी थाली है, हैदराबादी थाली है, पुलाव थाली है, और हैदराबादी थाली में बहुत सारी आप कहने के कटोरियों में ही हम जिस तरह से सर्व करते हैं ट्रेडिशनल, उसमें पापड़ है, सलाद है, रायता है, माई खलिया है, चिकन खलिया है, और मिर्ची का सालन है, बहुत सारी चीज़ें, और इसी तरह पाकिस्तानी थाली भी है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और आ सकते हैं। अच्छा, ब्रेकफास्ट के हवाले से सैटरडे एंड संडे 2 दिन हमारा ब्रेकफास्ट होता है, उसमें इटालियन, उसके साथ हमने अमेरिकन और कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ये ब्रेकफास्ट हैं। उसके साथ हलवा पूरी का ब्रेकफास्ट भी आपके लिए है, तो आप ज़रूर आके इंजॉय कर सकते हैं। दाल हमारे पास बिल्कुल तैयार है, आप इसको हम सर्व कर देंगे और उसके बाद आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाएगा, बल्कि मेरे पास स्पून है, मैं इसी से सर्व कर दूँगा। चलिए जी, फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको भी ज़रा, बाल्टी को साफ़ है, थोड़ा सा और एक दफ़ा साफ़ कर देते हैं।
ठीक है, और गालबन ऐसे ही डाल देते, ओप्स नहीं ऐसे नहीं डलेगी, उसी तरह डालते हैं ताकि ज़रा टाइम तो लगेगा लेकिन आसानी से काम हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास बेहतरीन सी दाल। आप पराठा, नान, चावल, ये आपकी चॉइस, ये आप पे छोड़ा, जिस तरह से भी आप इसको जिस चीज़ के साथ भी खाना चाहें खा सकते हैं। चलिए, और अब इसको ज़रा क्लियर कर देते हैं। सर्विंग में डिश वगैरह में डालने के बाद क्लियर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि जो देखने वाले हैं, जो खाने वाले हैं, उनके पास चीज़ साफ़ सुथरी पहुँचे। चलें, इसकी ये हैंडल नहीं अटक रही, इसको इधर अटकाते हैं। ठीक है जी, हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ बाल्टी में सर्व हो चुकी हैं, इसको आपने ट्राई करिएगा, ज़रूर हमें बताइएगा कि ये आज की दोनों रेसिपीज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रहा। और साथ साथ आपको बताते चलें कि एपिसोड मिस हो जाती है तो आप इसको सुबह में भी देख सकते हैं, मैं उधर से आके उठाता हूँ, टेबल पर ले चलते हैं। और अगर सुबह भी मिस हो जाती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इसको YouTube पे देख सकते हैं। YouTube पे लज्जत विद असद आज की डेट डालिएगा, लज्जत विद असद लिखिएगा और आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सिंपल सी रेसिपीज़, बहुत सिंपल सी प्रेजेंटेशन, सिर्फ क्या है कि थोड़ी सी आप कहने के चेंज जब चीज़ें होती हैं तो घर वालों को के लिए हों चाहे मेहमानों के लिए हों तो वो मज़ा भी आता है, देखने में मज़ेदारी लगती है और कुछ लगता है कि स्पेशल किया है। तो इसको ज़रूर इसी तरह आप सर्व करें और मेन है टेस्ट, टेस्ट हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी दोनों रेसिपीज़। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल भी आपसे मुलाकात होगी। और मलका के हवाले से जैसे आप जानते हैं कि इनके मसालों में ना तो जो है अजीनोमोटो शामिल है ना ग्लूटन शामिल है, दोनों इस फ्री हैं और बेहतरीन पैकेजिंग, बेहतरीन मसाले, खुशबू, जायका, हर चीज़ बहुत लाजवाब, जिस जैसे कि हमने फ्राई फिश इसमें बनाई, निहारी बनाई, बिरयानी बनाई, बहुत सारी चीज़ें। और कल भी हम इनका कोई ना कोई एक पुलाव आपके साथ शेयर करेंगे और पुलाव के साथ और क्या बनेगा वो तो आपको कल ही बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल भी मुलाकात रहेगी। स्क्रीन पर इंजॉय कीजिएगा आज की ये दोनों बाल्टियाँ और अपने घरों में ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।